किसान भाइयों नमस्कार। आपको बता दें, भारत सरकार ने पशु लोन योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की राशि दे रही है। पहले इस लोन राशि में 3 लाख रुपए तक का प्रत्येक किसान को लोन दिया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में नए अपडेट के बाद सरकार ने पशु लोन योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की राशि को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यानी 3 लाख की बजाय अब आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, पशु लोन योजना के अंतर्गत आपको अगर लोन लेना है और आवेदन फॉर्म को भरना है तो इसकी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगी। उस लिंक के जरिए आप इस पशु लोन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं और 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन बिना ब्याज पर आपको भारत सरकार की ओर से मिल सकता है। आपको सबसे पहले एक नई जानकारी आपको बताते हैं किसान भाइयों, पशु लोन योजना के अंतर्गत जिन किसान परिवारों के पास पशु किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है उनको केवल 4% ब्याज की रेट देनी होगी और बाकी के जो किसान है, जो सामान्य किसान है, उनको 7% ब्याज पर आपको रेट देनी होगी। 5 लाख रुपया पर 7% का ब्याज देना होगा और आपको हर महीने अलग अलग किस्तों का भुगतान करना होगा। चलिए शुरू करते हैं पशु लोन योजना के अंतर्गत आवेदन किस प्रकार किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा। अब चाहे किसान उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, कोई भी राज्य से हो, सभी राज्यों के लिए पशु लोन योजना भारत सरकार की ओर से शुरू की गई है। वर्तमान में इस योजना का प्रचलन काफी ज्यादा है। किसानों को नए रोजगार एवं स्वयं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने इस पशु लोन योजना में और ज्यादा इजाफा किया है। तो किसान भाइयों, आप अपने नजदीकी जो भी बैंक शाखा है जहां पर आपका बैंक अकाउंट खुलवाया गया है, उसी बैंक शाखा में जाकर आप पशु किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए पशुओं पर लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपके पास कम से कम 5 पशु होना जरूरी है। अब पशु चाहे गाय हो या भैंस, आपके पास होना जरूरी है कम से कम 5 गाय, तब जाकर आपको लोन की राशि सरकार की ओर से मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं लोन की राशि को, आप कितने समय में इस राशि को वापस भुगतान करना होगा। तो किसान भाइयों, ये सब आप पर डिपेंड करता है। आप जितने पैसों की किस्त बनाएंगे उसी के हिसाब से आपको पेमेंट वापस चुकता करना होगा। अब इसमें कोई निश्चित तारीख और कोई निश्चित अमाउंट तो रखा नहीं गया है। सरकार ने कहा है किसान अपने इच्छा अनुसार किस्तों का भुगतान कर सकता है। जितना टाइम लगेगा उस टाइम के अनुसार आपकी ब्याज रेट बढ़ती जाएगी, लेकिन किसान भाइयों कुछ समय सीमा निर्धारित भी सरकार ने रखी है। उसी के हिसाब से अगर आप पशु लोन योजना की राशि को जमा करवाते हैं तो फिर आपको 4-7% का ब्याज ही देना होगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो सामान्य डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट साइज फोटो, पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट, इस प्रकार के सामान्य डॉक्यूमेंट है जो आपको बैंक शाखा से जानकारी मिल जाएगी। अन्य जानकारी, कोई भी प्रकार के आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। लिंक को एक बार जरूर चेक करना, क्योंकि लिंक के माध्यम से पशु लोन लेने से पहले आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि किसान को ज्यादा देर तक बैंकों के साथ चक्कर नहीं काटने पड़े। तो इसलिए किसान भाइयों आप लोन के लिए इसलिए किसान भाइयों अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले लिंक के द्वारा दी गई जानकारी को आप जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।